हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम जो है मणिपुर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैतेई समाज के हैं यहाँ पर। और इन आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर देखा होगा किस तरीके से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे हैं। आज भी ये लोग डिमांड्स लेकर के आए हैं और कहीं ना कहीं शांति का ये लोग अनुरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं अपना नाम? ऐसा है कि हम लोग जो ऑर्डिनरी पीपल है, ये जो क्राइसिस जो मणिपुर में फिलहाल हम लोग जो फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से काफी हम लोगों का नुकसान हो रहा है। कितने लोगों के जाने गए हैं, कितने लोग इंजर्ड हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी तक मिसिंग है, जो अभी तक घर वापस आया ही नहीं है। और ये जो अभी क्राइसिस जो चल रहा है, ये एक साल से भी ज्यादा हो गया, एक साल चार महीने हो गया है ऑलमोस्ट। तो इतने मतलब इतने लंबाई जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो वो भी इतनी क्राइसिस के लिए, इतना तो पहले आपने भी कहीं नहीं देखा होगा। जितने भी क्राइसिस है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये होता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। मणिपुर में जो चल रहा है ये तो सालों में चल रहा है, अभी एक साल से ज्यादा हो गया, फिर भी ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उसके लिए तो थोड़ा सही है, लेकिन जो अर्न करके जो खाता है, हैंड टू माउथ लोग जो होते हैं ना, इन लोगों का आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों के लिए काफी काफी मतलब डिफिकल्ट टाइम हो गया है अभी। अच्छा मैम, देखा जाए हम बांग्लादेश को देखें, इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसमें ही झगड़ा हो रहा है। सी दिस इज मोर अबाउट हिंदू और दिस वन क्रिश्चियन और समथिंग लाइक दैट। दिस इज द थिंग्स हैपनिंग इन बांग्लादेश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन मणिपुर। जो मणिपुर में हो रहा है वो मणिपुरी लोगों के बीच में हो रहा है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, ये अपने ही समुदाय के होकर के लोग और अपने ही देश में रह करके और एक ऐसा माहौल बना देना कि जहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो। जी जी, अपने ही मतलब ऐसे ही ऐसे ऐसे लग रहा है कि जो जैसे मणिपुर का अभी तक आप सिचुएशन देखो तो ऐसा लगता है कि ये जो वहां पे हम लोग का जो हो रहा है ना कुकी और मैटे के बीच में, ऐसा लगता है कि समवन इज प्लेइंग द गेम, यू नो। देन उसके हाथ में जो रिमोट है, ही कैन ऑन इट एनी टाइम और ऑफ इट एनी टाइम। जो ऑन होता है तो कहाँ पे बॉम्बिंग करना है, कहाँ पे अटैक करना है, ऑल ऑफ अ सडन इट विल स्टार्ट। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन इन मणिपुर देयर वाज नो वायलेंस एट ऑल। तो पूरा हम लोग को ऐसा लगा था कि डॉर्मेंसी इज देयर इन मणिपुर, बट ऑल ऑफ अ सडन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन इट ऑल इरप्टेड। दे स्टार्टेड द कुकी स्टार्टेड अटैकिंग द माइटेज, देन अगेन द रिवर्सल दिस थिंग्स एंड ऑल, नो ये फिर शुरू हो गया। तो ये जो हमें क्या लगता है कि ये जो भी हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से कोई एंटिटी तो लग रहा है कोई है जो इनका ऐसे कुछ सपोर्ट कर रहा है इनको ही नहीं, जो मैं ये कहती हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट करवा रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सपोर्टिंग द कुकी और माइटे और हूएवर, आई एम सेइंग आपको क्या लगता है कोई अन्य देश का कि भी कोई ना कहीं हाथ है इसमें, ऐसा लग रहा है? सी, अन्य देश का हाथ है कि नहीं है, वी कैन नॉट से अबाउट दैट, बट रिसेंटली आई थिंक यू हैव हर्ड फ्रॉम एन एंकर फ्रॉम द टीवी, जो बहुत फेमस टीवी एंकर है और जो इंडियन का न्यूज चैनल है, काफी फेमस न्यूज चैनल है, उसमें बताया गया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरेन हैंड्स। तो अगर इसमें अगर कोई फॉरेन हैंड्स है तो जो खतरा हो रहा है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर मणिपुर, दिस थ्रेट इज नॉट ओनली फॉर मणिपुर, इट इज गोइंग टू एक्सटेंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया आल्सो। सो द इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्ट नाउ एंड शुड स्टॉप ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन मणिपुर, सो दैट अगर फॉरेन हैंड्स है तो भी उसको भी काट दीजिए ना, उसके फॉरेन हैंड्स को। इसका तो सिक्योरिटी सारा मणिपुर में भरा पड़ा है। आप लोग चाह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, शांति होना चाहिए, क्योंकि इनफ इज इनफ नाउ, इनफ इज इनफ। जो मारपीट होना था हमारे साइड हो या उसके साइड हो, दोनों का हो रहा है, और नुकसान दोनों का होने के बावजूद ऐसा हो रहा है, बस दोनों कुकी और मैतेई का ही नहीं हो रहा है, जो भी मणिपुर में है, जो कोई भी नगा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो जो मणिपुर में है, उन लोगों का सबका नुकसान हो रहा है। तो मणिपुर जो आगे जाना चाहिए वो अभी पीछे की तरफ आ रहा है। सो इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो वी वांट पीस। एंड आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? सो वी वन हम चाहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड इंटरवीन, ये सामने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए उसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंटरवीन एंड शुड डू देयर बेस्ट टू स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज हैपनिंग इन मणिपुर राइट नाउ।
थैंक यू. मेरा नाम संगीता है, आई एम स्पोक पर्सन ऑफ डीएमसीसी वुमेन्स विंग. थैंक यू.